हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज रीडिंग का टॉपिक है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हो, रिश्ते में काफ़ी कुछ सहा है आपने या अभी भी सह रहे हो, वो थर्ड पार्टी अभी तक आपकी लाइफ में क्यों है? यानी कि आज की रीडिंग का जो रिप्लाई मिलेगा, हमें क्यों का रिप्लाई मिलेगा कि आपकी लव आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी क्यों है। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी और प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो गाइस, देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड लेके आने वाले हैं। जय माता दी। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग में कार्ड कैसे भी आए, आपको पॉजिटिव बने रहना है। और देखते हैं, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, रीडिंग की क्लैरिटी मिलते भी परेशानी होती है, समझ में नहीं आती। इसलिए जय माता दी, माता के नाते हैं। सेवन ऑफ कप्स, जजमेंट, फिर सेवन ऑफ, वो एट ऑफ कप्स था, ये सेवन ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स, जजमेंट, सेवन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, और साथ में निकला है गाइस फोर ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, जस्टिस का कार्ड तो आया। हाई प्रिस्टिस, जजमेंट के नीचे कौन सा कार्ड आया है? द स्टार। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स। बॉटम आया है किंग ऑफ वांड्स, यानी कि बॉटम में थर्ड पार्टी आ गई है। गाइस, अगर हम यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है, एयर साइन नहीं है। तो नंबर कुछ बोलने जा रही हूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। गाइस, नंबर टू इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट है, नंबर सेवनटीन इम्पोर्टेंट है, नंबर इलेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर टेन इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्टीन इम्पोर्टेंट है और नंबर ट्वेंटी इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइज, यहाँ पे नंबर सेवन और एट, नंबर सेवन और एट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर इलेवन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या फर्स्ट टाइम आप मिले हो, और ये भी हो सकता है कभी कैंडल लाइट डिनर आपने एक साथ किया हो, या कुछ ऐसे कस्में, वादे, लम्हे ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ बिताए हो जो इतना दुखी होने के बाद भी जब आप कभी उस लम्हों को याद करते हो तो आपका दुख जब बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी कि चेहरे पे स्माइल भी आती है या दर्द बाहर आता है। तो क्यों? क्योंकि आपने सोचा नहीं था कि रिश्ते में कभी ऐसा भी होगा। हर किसी की बात है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता,
क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान का सोचते हैं, आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं, तो डिवाइन फिर बीच में अपना सब दिखाती ही दिखाती है। अगर मैं आपकी बात करूं, थर्ड पार्टी की बात करूं, तो ये जो थर्ड पार्टी है बॉटम में अभी भी आया है कि बॉटम में थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रोंग है। आपके पर्सन भले ही आपसे नाराज है, लेकिन इनके आसपास थर्ड पार्टी अभी मंडरा रही है, नेगेटिविटी बहुत है। इनके पास आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंस गिराने की बातें करते हैं, जिनके साथ बैठ के इनको ऐसे लगता है कि कॉन्फिडेंस गिर रहा है, कोई हिम्मत या हौसले वाली बात नहीं है। तो गाइस, ये पर्सन थर्ड पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, ये कंफ्यूज थे। इन्होंने थर्ड पार्टी ने इनको अपनी प्यारी प्यारी बातों में, थर्ड पार्टी जो इनकी फैमिली में है, कोई ऐसी महिला दिखाई दे रही है जो इस पर्सन को क्या है कि अपनी बातों में उलझा लिया, प्यारी सी, स्वीट सी, मीठी सी, समझदारी की बातें कर करके, जिसको लगा आपके पर्सन को कि जो कुछ कह रही हैं ये सही में। यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन मजबूरी कम थी, लेकिन उस थर्ड पार्टी की बातों में ज़्यादा उलझे थे, तभी आप लोगों का सेपरेशन फेस हुआ है। हाँ, ये पर्सन की जो डिसीज़न, ये जो है अपने इमेच्योर पर्सन है, और इनकी जो डिसीज़न लेने की पावर है ये काफ़ी कमज़ोर है। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी अब तक क्यों है। तो आपको वो तो मैं बताऊंगी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी रीडिंग में आया है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपको न्याय मिलना ही मिलना है, क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप अपने पर्सन के साथ अभी तक जुड़े हुए हो, तो ये पर्सन भी आपको घंटों ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। हो सकता है ये आपको, आपका ये कनेक्शन जो है ऑनलाइन बड़ा हो, या ये पर्सन आपको ऑनलाइन ही मिला हो। पास्ट में भले ही ये कन्फ्यूज़न थे, इनको ऑप्शन में इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, ऑप्शन में रखने के बाद आपकी चीज़ें खराब हुई, आपका प्यार का प्याला टुकरा के ये इंसान दुखी मन से गया है, क्योंकि उधर से थर्ड पार्टी का प्रेशर था, थोड़ा सा मन में इनके दुख भी था। ये देखिए, जस्टिस के आसपास आया 10 of Cups का कार्ड, साथ में आया 4 of Wands, यानी कि दोनों ही ये बताते हैं कि हम दो, हमारे दो, मैरिड प्रॉपर्टी समझते हैं, आपके साथ आपके पर्सन ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं, और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। अब ये अगर इस पर्सन की बात की जाए, तो ये पर्सन जो है प्यार तो कर बैठे, लेकिन रिश्ते में इनको संभालने में दिक्कत हुई, ये अपने अंदर वो मजबूती नहीं ले पाए जो एक इंसान मजबूती लेके रिश्ता निभाता है। स्ट्रेंथ लाना चाहते थे, नहीं हुई, और आप भी कहीं ना कहीं दिल के कमज़ोर थे, लेकिन ये पर्सन जो है धीरे धीरे अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। आप जो इंसान हो, आपने अगर आज तक ये इस रिश्ते को पकड़ा हुआ है, या आज भी इसमें होप लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा करा है, इसलिए कि आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी, इसलिए कि आपको अभी भी डिवाइन पर पूरा भरोसा है। आप जानते हो कि डिवाइन से बड़ी कोई पावर नहीं है, और ये इस चीज़ को आप मच्योर हो, समझते हो कि लव और प्यार जो होता है उसमें हिम्मत और की ज़रूरत होती है। जहाँ इंसान क्रेज़ी हो जाता है, वहाँ चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर में देखिए मैनिफेस्ट करता है, डिवाइन के आगे मैनिफेस्ट करता है, ईश्वर के आगे चीज़ों का बैलेंस बनाना शुरू कर रखा है। उनको भी पूरा अंदर से डिवाइन पर भरोसा है, हील कर रहे हैं अपने आप, जो अपना दर्द है ना उसको हील कर रहे हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट करके, और आपके लिए प्रे कर रहे हैं। और अब आता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी अभी तक आपकी, देखिए बॉटम में जैसे ही हमारी रीडिंग का टॉपिक होता है, करीब करीब वैसे ही कार्ड आते हैं,
आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉटम में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसलिए कहीं फादर फिगर भी ऐसी हो सकती है, या बड़ा भाई भी हो सकता है, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी घर में ज़्यादा चलती हो, जिस जो गलत कहे सही कहे उसके ऑपोजिट जाने की किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन रीडिंग का टॉपिक क्या है कि थर्ड पार्टी अभी तक आपके रिश्ते में क्यों है। जब ये पर्सन, ये देखिए जजमेंट का कार्ड आया, जजमेंट का कार्ड क्या कहता है कि आप लोगों के ये कोई पुराने कर्मा का, जो पास्ट में कभी चीज़ें आपने पास्ट में करी होंगी या आपका कुछ कर्मा का रह गया है, वो कार्मिक हो रहे हैं, कर्मा क्लींज हो रहे हैं। ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, और ये जो है कर्मा क्लींज हो रहे हैं। जितने आप दुख दर्द झेल रहे हो, जितने पर्सन ये दर्द झेल रहा है, ये थर्ड पार्टी तभी नहीं छोड़ पा रही क्योंकि अभी तक कर्मा क्लींज नहीं हुए। जैसे ही ये कर्मा क्लींज होंगे वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, लेकिन थर्ड पार्टी अभी तक आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, आप ये भी कह सकते हो। इसलिए है क्योंकि आपके और आपके पर्सन के कुछ कर्मा के ऐसे बैगर्स हैं जो अब कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ही जैसे वो कर्मा क्लीन होते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलनी शुरू हो जाएंगी। जो पास्ट की चीज़ें होती हैं गाइस, जो कर्मों का लेखा जोखा होता है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में कभी आपको आपको ऐसा नहीं समझा जो स्पेशल हो कि ये पार्टनर है मेरा या इसके लिए कुछ स्पेशल है, सबकी तरह रखा, ऑप्शन में रखा। कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ लालच था, आपके पर्सन भले ही बोले थे लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की बातों में आए। ले थर्ड पार्टी अभी तक इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपके कर्मा अभी क्लींस नहीं हुए, आपके पर्सन के कर्मा भी क्लींस नहीं हुए। तो चलिए देखते हैं, ये बॉटम है गाइस। चलिए देखते हैं कि कर्मा आपके कब क्लींस होंगे। देखिए गाइस, ये तो डेफिनेट है कि आपके कर्मा क्लींज होंगे। सबकी अलग अलग हिसाब है, सबके अलग अलग कर्मा का है। कुछ हो सकता है कि 3 महीने लगे, 3 वीक लगे, और कुछ को 1 ईयर भी लग सकता है। लेकिन डेथ का कार्ड ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो रिश्ते में न्यू बिगिनिंग तो आपके होनी होनी है। और आप लोगों का जैसे ये 2 कार्ड आए हैं, ये तीसरा कार्ड भी यही कहता है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ये आपको अपनी ग्रोथ समझते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी का गुड लक लकी चार्म समझते हैं। लेकिन बीच में ये जो चीज़ है, ये चीज़ को टाइम लगेगा। लेकिन ये पर्सन, ये कार्ड ये भी बताते हैं कि आपके कर्मा को अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इस ईयर या नेक्स्ट ईयर मार्च तक क्लींस होते दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके रास्ते ज़्यादा जल्दी खुल जाए। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े, असा हुन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े।
जी हाँ, आपका निकला है ये एडवाइस कार्ड। तो डिवाइन क्या कह रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत उदास होकर वेट कर रहे हो, लेकिन फिलहाल आपको वेट तो करना है लेकिन इतना उदास होके नहीं। आपका हालात ऐसे हैं कि आप बहुत अंदर से उदास हो, बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। किसी के सामने भले ही आप जाहिर नहीं होने देते, लेकिन आप अपने पर्सन के बिना अपने आप को अकेला और तन्हा फील करते हो। तो आपको इन चीज़ों से निकलना है। सामने वाले को याद कीजिए पॉजिटिव तरीके से। अगर जैसे ही आप अपने आप के अंदर चेंजेस लाने शुरू करेंगे, तो ये जो टाइम है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इनके साथ जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जब आप इतने उदास, दुखी और परेशान होते हो, तो वो जो हम भेजते हैं वही जाता है, वही रिश्तों में ब्लॉकेज आती है। तो यही वजह है जहाँ की हमारी रीडिंग का टॉपिक था, थर्ड पार्टी अभी तक आपके रिश्ते में क्यों है। तो गाइस, ये सिर्फ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ कर्मा रह गए हैं जिसकी वजह से थर्ड पार्टी अभी तक आपके पर्सन को छोड़ नहीं सकी, लेकिन आने वाले टाइम पे वो जल्दी ही छोड़ने वाली है और आप लोगों का अच्छे से रिश्ता चलने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और मुस्कुराते रहना होगा, यानी कि अपने आप सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बड़े दिल से डालती हूँ मैं ये रीडिंग आपके लिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को तो जरूर टच करना ताकि नेक्स्ट रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।